ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाएं अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplay। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी कर्मचारी, मेडिकल, हवाई अड्डा जाने वाले यात्री, रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री को छूट दी गई है। जिस गाड़ी में पेशेंट है उन्हें भी छूट दी गई है। लोगों ने प्रत्येक चौक चौराहों पर पुलिस जवान की तैनाती की है और प्रत्येक दिन प्रत्येक चौक चौराहों से काफ़ी संख्या में फाइन काटा जा रहा है और FIR भी दर्ज किया जा रहा है। कई लोगों का फाइन काटा जा चुका है और इसका मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर में रहें। जो लोग सड़क पर मटर गश्ती करते हैं उनकी गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी और फाइन भी अलग से काटा जाएगा। कल भी काफ़ी संख्या में मस्ती गश्ती करने वाले काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर उनका फाइन काटा गया है और ये मुहिम आगे भी चालू रहेगी। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। ये कुछ आवश्यक सेवा को छूट दी गई है और कुछ सरकारी कर्मी भी हैं, कुछ अस्पताल के कर्मी हैं जो दोपहिया वाहन से आपको दिखेंगे और जो आवश्यक सेवा के संबंधित लोग हैं जिनको अस्पताल जाना है, दवा लेने जाना है, वैसे लोग हैं जो सड़क पे अनुमान आपको दोपहिया वाहन से दिख जाएंगे और किसी को हवाई अड्डा जाना है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, इन सब छूट वाली चीज़ें हैं। इसके वजह से आपको कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं और हम लोगों ने हर चौक चौराहा पे बल और पदाधिकारी दिया। प्रत्येक दिन फाइन भी की जा रही है और FIR भी किया जा रहा है। आज भी अभी तक कई लोगों को फाइन किया जा चुका है और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और हम लोग से अपील भी कर रहे हैं कि ये आम जन भाव के लिए, जनमानस के लिए है ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इसका सख्ती से लोग अनुपालन भी करें। सर, कुछ लोग मटर गश्ती ज़्यादा करते हैं, बिना भाव से घूमते, उस पर क्या कार्रवाई होगी? जो मटर गश्ती करते हुए घूम रहे हैं उनको पकड़ा भी गया है। कल भी काफ़ी संख्या में फाइन की गई है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाती है। सर, एक सवाल है कि ऑनलाइन और होम डिलीवरी के नाम पर शहर में बहुत ऐसे होटल हैं जो पूरी तरह खोल कर रखते हैं, आगे में लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कहते हैं कि होम डिलीवरी और मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो सर इस पर कुछ निगरानी होनी चाहिए कि वहाँ भीड़ न लगे। एकदम निश्चित, हम लोग जो आप लोगों ने संज्ञान में लाया है ये बात, हम लोग उससे औचक छापामारी करवाते हैं और इस प्रकार की बात सही पाई जाएगी तो उसको फील भी किया जाएगा, FIR करके कार्रवाई भी की जाएगी। मैं दिखवा लेता हूँ। मैंने बताया ना कि इसमें हम लोग औचक जांच करके कार्रवाई करेंगे और एक अलग अलग टीम रूप से जाके जांच करके कार्रवाई भी करेंगे। लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि इसमें सहयोग करें, ये आम जनमानस के भलाई के लिए हित में है फैसला, ये लोग इसके समर्थन में रहें और इस चीज़ को समझें, इसके फायदे हैं। सर, दोनार गुमती उस पर अक्सर भीड़ देखा जाता है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? दोनार गुमती के देखिए, वो रेलवे लाइन का क्रॉसिंग है, वहाँ पे फाटक है, इसके वजह से कुछ गाड़ियाँ फंस जाती हैं ट्रेन आने के समय में, इसके वजह से कभी कभी वहाँ पे आपको भीड़ दिखेगी और यदि उस प्रकार के और भी मामले आते हैं तो उस सब पर कार्रवाई होगी।